भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग के तत्वाधान में किसानों के लिए मंडलीय स्तरीय कार्यशाला एवं कृषि संयंत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन उद्यान विभाग परिसर में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि बीजेपी की क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के अलावा भूमि संरक्षण अधिकारी ओम प्रकाश राय, तकनीकी विशेषज्ञ डॉक्टर जे एम त्रिपाठी, अवर अभियंता ए के श्रीवास्तव, निरीक्षक अरविंद दुबे, किसान नेता राजेंद्र राय, भूमि संरक्षण निरीक्षक ए के दुबे सहित अन्य अधिकारी और गोरखपुर तथा बस्ती मंडल के किसान मौजूद रहे। इस मौके पर अतिथियों द्वारा पात्र किसानों को कृषि संयंत्र का वितरण किया गया, जिसमें कुल 20,78,815 रुपये की लागत से के 703 कृषि संयंत्र का वितरण किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल तथा डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, निर्माण जो है मानकों के हिसाब से ये सब करके वर्षा सेकेंडरी इरीगेशन है, लाइफ सेविंग इरीगेशन। महोदय, हम लोग ये वर्ष जो जारी भारत सरकार द्वारा जारी है नियमों के अधीन ये सारे कार्य हम लोग जो है करते हैं। पूरे देश में ये योजना संचालित है। प्रदेश में कुल 596 परियोजनाएं संचालित की गई थी, जिसमें प्रत्येक वर्ष 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस तरह से योजनाएं हर वर्ष की बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं। उसका पहले प्राकलन तैयार किया जाता है, फिर उसका विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है और फिर उसके समानुपातिक हम लोग धनराशि भारत सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इस पूरे कार्यक्रम में 60% धनराशि भारत सरकार से मिलता है, जबकि 40% जो है राज्य इसमें राज्य पोषित है। सरकार प्रारंभ से किसानों की हित ऐसी सरकार है, तब तक देश समृद्ध नहीं हो सकता। और इसलिए आजादी के 70 वर्षों बाद लोकतंत्र के उस मंदिर में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पहली बार जाते हैं, तो उस लोकतंत्र की सीढ़ियों पर माथा टेकते हुए वो लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश करते हैं। पत्रकारों ने पूछा कि आपके सरकार की प्राथमिकता क्या होगी, तो पूर्ववर्ती सरकारों की तरह उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे सरकार के संसाधनों पर या देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। उन्होंने कहा कि हमारे सरकार की प्राथमिकता गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, सबका साथ सबका विकास हो, उसके साथ सबके साथ जोड़ते हुए उन्होंने किसानों को के जीवन को बेहतर बनाने के लिए संकल्प लिया। और चाहे देश के अंदर या प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में सरकार बनी, तो सरकार की पहली प्राथमिकता आप सबने देखी होगी, पहली कैबिनेट की बैठक में 86 लाख किसानों के लघु और सीमांत किसानों के कर्ज माफी का 36,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहली कैबिनेट में प्राथमिकता के आधार पर किसानों के लिए। हम लोग तो शहर की राजनीति करते हैं, लेकिन चूंकि पेशे से डॉक्टर हैं, इस नाते बहुत से अपने कृषक बंधु आते हैं और अपनी भावनाओं को बताते हैं। मोदी जी ने अगर ये नारा दिया किसानों की आय को दुना कर देंगे, तो आप सबने इस बात को एहसास किया होगा कि जब से मोदी जी सरकार में आए हैं 2014 के बाद से लगातार वो इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि किसानों की कृषि कर्मों की लागत कैसे घट सके, किसानों को कृषि कर्म में प्रयुक्त होने वाले उपकरण कैसे उनको सस्ते से सस्ते दाम पर मिल सके, जो माल किसान पैदा कर सकते हैं या करते हैं उसका उन्हें अधिक से अधिक मूल्य कैसे मिल सके, और खुदा न खास्ता यदि किसी कारण से उनकी किसानी प्रभावित होती है, खेती में उनको नुकसान होता है, घाटा होता है, तो उसके घाटे की भरपाई कैसे की जा सके। हम लोग सॉइल कार्ड के बारे में सुनते थे, लेकिन 6.5 करोड़ लोगों को सॉइल कार्ड बांट, जो आंकड़ा मेरे पास है, हो सकता है ये बहुत कम भी हो, कार्ड उनकी जमीन की जांच करके बांट दिया गया।
यहाँ से जोर से बोलिए जी जी गाँव समाज से चले चुका है। संत कबीर नगर पास लोग पकड़िए। आज गोरखपुर और बस्ती मंडल इनके सभी जिलों के 701 किसानों को कुल 2,68,000 मूल्य के उपकरण, विभिन्न प्रकार के उपकरण, जैसे खेतों में हाथ से स्प्रिंकलिंग करने वाली मशीनें, स्प्रे मशीनें, चारा मशीनें और ओसाई करने के लिए जो पंखा प्रयोग करते हैं वो पंखा, ये सब अनुसूचित जात के लोगों को 90% अनुदान, खाली 10% की लागत, और गैर अनुसूचित जात के लोगों को 80% अनुदान, सिर्फ 20% की लागत, इसके आधार पर वितरित किया गया है। किसानों में बहुत उत्साह है और उनके चेहरे पर वो जो संतुष्टि का और खुशी का बोध है वो हम लोग को देख करके, मैं तो शहर का विधायक हूँ, देख करके बड़ा आनंद की अनुभूति होती है कि किसी सरकार के प्रति उनके मन में इतनी श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव है। ये खुशी हम लोगों को बहुत आह्लादित करती है, क्योंकि जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा शहर के लोग भी खुशहाल नहीं हो सकते हैं। मैं सरकार को एक बहुत अच्छी और अभिनव योजना के लिए हृदय से बधाई देता हूँ। किसानों के लिए उपकरण केंद्र और प्रदेश सरकार के सामूहिक योगदान से विभिन्न प्रकार के उपकरण वितरित किए गए हैं और जिस प्रकार किसानों में खुशी है उनको अलग अलग प्रकार के उपकरण दिए गए हैं जिससे खेती के कार्य में वो उसका उपयोग कर सकें, और उनके चेहरे पर खुशी को देखकर ये लगता है कि सरकार जिस प्रकार से किसानों के हित में लगातार नए नए फैसले ले रही है, उनको उनके आय को दुगुना करने के लिए लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि 2022 तक हम किसानों के आय को दुगुना करेंगे, उसी के दृष्टिगत ये सब कार्य किए जा रहे हैं।